न्यूज में मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। सुबह के 9 बज गए, रुक कर लेते छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है, क्या कहती है अखबारों की सुर्खियां, इसकी चर्चा के लिए हमारे पैनल पर जुड़ गए हैं स्टेट हेड आर के गांधी और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का इस खास पेशकश में। लेकिन आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से नक्सल पर जो मंथन हुआ है दिल्ली में और उस बैठक के बाद में जो बातें निकली, जो एक्शन प्लान बना है, वो कहीं ना कहीं तमाम अखबारों ने जगह बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय अखबारों की बात कर लीजिए, स्थानीय अखबारों की बात कर ली जाए, सभी अखबारों ने काफी प्रमुखता से लिया है। नई दिल्ली ने जहां इस खबर को अपर बैंड में लिया है, लेकिन यहां पर भास्कर ने भूपेश बघेल की खबर को पहले पिश लिया है, क्योंकि एक के संगठन के प्रमुख के खिलाफ में जो मामला दर्ज किया गया है उसकी खबर प्रमुखता से भास्कर ने यहां पर रखा है तवज्जो के साथ में, और नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन प्लान है उसको नीचे रखा गया है। और साथ ही अगर अमनी संदेश की भी खबर की बात की जाए तो नक्सल समस्या से निपटने पर तकनीकी जोर, इस खबर के साथ में अमनी संदेश ने हेडिंग के साथ में इसको रखा है, और साथ में तमाम 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री शामिल हुए सुरक्षा बलों की सुविधाओं को बढ़ाने के लेकर जो बातचीत हुई। बाबूलाल शर्मा जी, अगर इस खबर को देखा जाए आपको क्या लगता है कि नक्सल समस्या को लेकर एक नई दिशा और दशा दिखती दिख रही है पूरे देश में? देखिए, जनता के बीच इस बात की चर्चा है कि आखिर इसका अंत कहाँ होगा। निश्चित रूप से आज 2007 से लेकर आज तक जितने जवानों की मौत हुई है, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उसके बाद जो प्रक्रियाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में हुई है, जैसे बयानबाजी हुई है, लगभग वैसा ही अभी भी हो रहा है। इसलिए जनता का विश्वास तब जागेगा जब कोई घटना सामने, जब उन्होंने सफलता पाई हो तब उसको जनता मानेगी। इस वक्त जो है कुछ नई बात जो समझ में आ रही है मुझे, क्योंकि पहले भी बैठकें दिल्ली में हुई हैं, उसके बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, रणनीतियां बनी हैं, आपको ये देखना होगा। इस बार फिर से एक नई बात समझ में आ रही कि 2000 कमांडो सुकमा को खाली करने के लिए या सुकमा को नक्सल विहीन बनाने के लिए उतारे जाएंगे, ये निर्णय बड़ा हुआ है। और भी स्ट्रेटेजिक जो उनका जो कोर्स है उसको भी कोलकाता से यहाँ ट्रांसफर करने का एक निर्णय, बड़ा निर्णय। और स्पष्ट रूप से ये बयान सामने आया है गृह राज्य मंत्री का और इंडियन बड़े मुख्यमंत्रियों के बीच में कि अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, मतलब साफ है। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हम विकास जो है गृह मंत्री के नेतृत्व में वहां पर मॉनिटरिंग होगी और वहां पर विकास के कार्य भी सारे होंगे, टावर भी लगेंगे, सड़क भी बनेगी, सब कुछ होगा, दोनों बातें कही गई। लेकिन ज्यादा जोर के साथ में जो है गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये बात कही। लेकिन अब इसमें लगता है कि बातचीत का जो रास्ता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि डायलॉग की जो बात अच्छा कही जाए, जो बात इसमें गोली से जवाब गोली का जो उसमें जोर दिया गया है और विकास के मामले को भी कहा गया है विकास, लेकिन बातचीत किए जाने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। इन्होंने ये कहा है कि विकास करेंगे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुद उसका नेतृत्व करेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है वहां जो कमांडो 2000 उतारे जाएंगे और गोली का जवाब गोली से दिए जाने पर जोर दिया गया, और इतने मुख्यमंत्रियों के बीच सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो ये है, ये एक बड़ी बात है। और इस बैठक में ये भी बात मेरे सामने आई कि नीतीश कुमार ने इस बैठक के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया था। कल तमाम टेलीविजन मीडिया में इस खबर को दिखाया जा रहा था, लेकिन इसके पहले भी जो बैठक हुई 5 कमान की बैठक थी उसमें भी विजय कुमार ने चल के लहजे में डीजीपी को सीधे सीधे आरे हाथ लिया, और उसके बाद में यहाँ पे इस बैठक में तो हर बैठक में कहीं ना कहीं एक विरोध के भी स्वर सुनने और देखने मिले। देखिए, अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी समस्याओं के साथ वहां के मुख्यमंत्री अपने मत को व्यक्त करते हैं। उनके राज्य हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या अलग रूप में है, बिहार में अलग रूप में है, झारखंड में अलग रूप में है, आंध्र में आज अलग रूप हो गया उसका, जबकि आंध्र में सबसे पहले केंद्र था। इस कारण से राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के हिसाब से बात करते हुए अलग, लेकिन जो बात इसमें देखने लायक है वो यही है कि हम अब गोली का जवाब गोली से देंगे। ऐसा जो निर्णय है वो जरूर घर में घुस के मारेंगे करेंगे, लेकिन इसमें जितनी भी चीजें दी हुई है उसमें इसी तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है कि अब जो है कड़ाई बरती जाएगी नक्सल क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात को कहा है कि अगर आपको इसका एक्शन लेना है तो सबसे पहले सुकमा, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सलवादी कर रहे हैं, उसको खाली कराया जाए, उसको नक्सल विहीन बनाया जाए, उस पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा छत्तीसगढ़ बयान जो नई दुनिया ने काफी प्रमुखता से रखा है और शायद
ये जो बयान है कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, जिसमें रमन सिंह ने ये बोला तो पहले सुकमा को कराना होगा आजाद। कोई नहीं आजाद भाव में क्या आपको लगता है कि सुकमा अभी भी प्रत्यंत स्वीकार कर रहा है? इससे पहले भी आपके जो केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे उन्होंने भी स्वीकार किया था कि हाँ कुछ क्षेत्र हमारे जो है कब्जे में नहीं है, नक्सलियों के कब्जे में है। आज रमन सिंह जी ने उस चीज को स्वीकार किया और सच को स्वीकार करना गलत नहीं है। वास्तव में ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी एक इलाका ऐसा इलाका है जो अछूता है विकास से और वो अभी भी मतलब गुलामी की जंजीरों में चकरा हुआ है। देखिए बिल्कुल सही कहे, गुलामी की जंजीरों को तो नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन ये है कि दबाव की राजनीति से प्रभावित है वो नक्सलियों और फौज के दबाव में आजाद मतलब आजाद जैसे शब्द आप करेंगे उस क्षेत्र को आजाद कराना पड़ेगा। वही शब्द शब्द का इस्तेमाल से साबित हो रहा है कि कब्जा उनका है नक्सलियों का। इस पर तो केंद्रीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है और ये सिर्फ सुकमा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा समझना है या आप भी इस बात को समझ रहे होंगे सुकमा के अलावा बीजापुर दंतेवाड़ा नारायणपुर की आजादी के बाद उस हालात को हम समझिए और जान लेंगे। जब कई राजवाड़े होते थे, कई अलग अलग बूथ थे, कोई पाकिस्तान मिलना चाह रहा था, कोई भारत के साथ रहना चाह रहा था, कश्मीर की भी स्थिति होती थी, हैदराबाद की स्थिति, भोपाल के निजाम की स्थिति थी, और इस बीच में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुटता दिखाई और पूरा जो भारत को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की उस तरह की विषम परिस्थितियां थी। वो एक अलग मुद्दा था, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन ये हमारे प्रजातांत्रिक भारत में स्वतंत्र होने के बाद वो परतंत्र था, ये प्रजातंत्र का राज्य है, इसमें जो है हमारे ही लोग हैं, नक्सली कोई बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारे ही लोग हैं, उसका जो है कब्जा घोषित करना किसी सरकार के द्वारा, ये आप उसको कमजोरी भी मान सकते हैं सरकार की या सच स्वीकार करने की बात भी मान सकते हैं, लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है, इसलिए ये सच को स्वीकार किया जा रहा है कि कब्जा हो गया हमको उसको छोड़वाना है। इस स्थिति में मैं ये मान सकता हूँ केंद्र ने भी मान लिया है, राज्य ने भी मान लिया है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ी कार्रवाई वहां पर होगी। ये देश दुनिया के सामने ला दिया गया है कि कुछ लोग जो जिन्हें नक्सली कहा जा रहा है, वामपंथी कहा जा रहा है, वो वहां पर दबाव पूर्वक, लेकिन इसमें जो एक बात है जो ग्राफिक्स के जरिए हम लोगों ने कल समझने की कोशिश की थी कि इसमें जो बुलेट प्वाइंट जो अगर समझा जाए, ऑपरेशन की अगुवाई राज करे, हम और सैनिक बल का सहयोग करेंगे, फिर वही बात है राज्य और केंद्र के बीच में, इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों पर स्थानीय जनता के साथ में नेटवर्क विकसित करने की जरूरत है, वर्तमान में यूएवी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, इसे बढ़ाने की जरूरत है, हर बटालियन के साथ में यूएवी मिनी यूएवी होनी चाहिए, अत्याधुनिक उपकरण मतलब हाई रेजुलेशन सिटी जेट कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, रडार और सैटेलाइट इमेज जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करने से, नक्सली द्वारा लूटे हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए हथियारों में टेकर स्मार्ट गनर के टीगर में बायोमेट्रिक्स, इस तरह से मतलब फॉरेन में जो इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम बातों पर जो करते हैं, इन सारे चीजों की जरूरत प्रारंभ से थी क्योंकि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं, ये कई बार बात सामने आ चुकी है और आधुनिक तकनीक से हम कमजोर पड़ रहे थे, ये भी बातें सामने आई है, इसलिए आधुनिक तकनीक की बात किया गया है बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुकाबले का जहां तक प्रश्न है, मुकाबला तभी होगा जब बराबरी की स्थिति होगी, और रणनीति की जहां तक बात है, रणनीति ओपन नहीं की जाती, ये तो सब ऊपरी चीजें हैं, लेकिन जो रणनीति तय हुई होगी उसका एक लंबो लुभाव एक हल्का सा संदेश देने का प्रयास किया कि अब हम कड़ाई करेंगे, कैसे कड़ाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और जैसी इनकी रणनीति बनी है तो उनकी भी अपनी रणनीति बन रही होगी। तो आज एक खबर आपने देखी होगी कि वो जो है बस्तर के क्षेत्र से अलग हटकर दंडकारण्य की तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरे इलाके में जा रहे हैं, ये इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है, जब भी कभी दबाव ज्यादा बढ़ता है आपने भी हाँ, दबाव बढ़ेगा जान दिया होगा कि नक्सल वहां से हट जाते हैं और थोड़े दिन के बाद जब प्रभाव खत्म होता है तो फिर वापस आ जाते हैं, ये हमने एक दो बार नहीं कई बार देखा है। उस स्थिति को देखते हुए और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार को ये कहना ही पड़ता, कड़ाई करनी पड़ती, क्योंकि 12,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं आज तक 20 साल में, उसमें 9,300 आम नागरिक हैं, 2,700 जवान हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर केंद्र सरकार इसके बावजूद भी ये आंकड़े देने के बाद चुप रहती है या कोई कड़े निर्देश नहीं देती है तो उसकी कमजोरी आती जाएगी। इसलिए जो है कहीं ना कहीं अब जहां कब्जा होता है उसको क्या किया जाता है आपको भी मालूम है, जहां कब्जा होगा वहां से हटाया जाएगा, ये निश्चित एक प्रक्रिया है,
तो ये दूसरे ढंग के कब्जे, ये दूसरे ढंग का कब्जा है, ये गंभीर कब्जा नहीं है, ये एक प्रजातंत्र पर एक आघात है। प्रजातंत्र आघात, प्रजातंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस अभिव्यक्ति की आजादी को भी कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक अभिव्यक्ति को लेकर एक बात यहाँ पे हम करना चाहेंगे, जो एक आर्टिकल जो छपा है, इस आर्टिकल में जिस तरह से यहाँ पे शेखर गुप्ता कहते नजर आ रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर टिकी पत्ती चमक यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार का प्रदर्शन खराब, प्रधानमंत्री मोदी की थम तक की है बहस। ये लेखक के अपने विचार है और वो अक्सर इस पेज पर जो नहीं, इसमें इन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है कि पहले बातें बहुत आई नहीं थी, जवान भी बात कर रहे हैं, ट्विटर के जरिए रखे सोशल मीडिया को बात करें, प्रतिक्रिया कैसी होती है, टीसी को ऐसी जैसी अब ट्विटर की मौजूदगी में होती है। सत्य है कि एनडीए का बड़ी खाता ठीक वैसा ही जैसे यूपीए का, फर्क सिर्फ यह है कि प्रतिक्रिया मौखिक मिसाइलों से शुरू होती है, कार्याना विश्वास घात राजनीति आदि पर फिर उसके स्तरीय बैठक होती है, वादा किया जाता है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि झटका बस्ता हो जैसे सम्मान को नेता अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते हैं, फिर अगले राज्य में कोई और खबर होगी और इसके साथ जैसे और जैसे बस्ते घटना बंद को प्रवारा का हुआ, अपने विचार उन्होंने रखे और बिल्कुल निश्चित एक बात कही थी उन्होंने, हिन्दुस्तान की जनता 8 दिन के बाद किसी घटना को याद नहीं, फिर नई घटना सामने आती है। ये जो आदत हिन्दुस्तान की जनता की है उसका ही लाभ राजनीतिक पार्टियां उठाती है। उनको मालूम है कि 8 दिन की मेमोरी उनकी कमजोर मानते हैं कि 8 दिन के बाद अगर कोई दूसरी घटना हुई तो पिछली घटना। इसमें एक जिक्र उन्होंने जो किया है कि आपने भी इस बात को समझा होगा, जाना होगा कि जिस तरह से जवानों के भी रिएक्शन सामने आए, पहले देखिए यूपीए गवर्नमेंट में उतना सोशल नेटवर्क था भी नहीं, कोई जवान बोल नहीं पाता था, अब जवान भी अपनी बात को रखते हैं ट्विटर के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए, और देखिए एक जवान को टेंडर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद में, तो ये स्थिति भी बनती नजर आ रही है। आपको एक मोर्चे पर इससे भी लड़ना है क्योंकि राजतंत्र में दबाव होता था और डरते थे और वो एक अलग विषय होता था, आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सेना के जवान भी मनुष्य हैं, वो एक हद तक कोई चीज बर्दाश्त करते हैं। जिस तरह से राजाशाही सोच जो है बड़े स्तरों की हो गई है आज के दिन, जो IAS IPS के लोग ऊपर में जो आरोप लगते हैं कि वो उनकी सोच ही अलग ढंग की हो गई है और एक निचले स्तर के कर्मचारियों को वो बिल्कुल कम से कम आंकते हैं, उसके कारण जो है ये स्थितियां पैदा होती हैं। कितना बर्दाश्त करेगा, कहीं ना कहीं बर्दाश्त की एक हद होती है, वो पार होती है। आखिर वो भी मनुष्य है, सेना का जवान भी मनुष्य है, कम पढ़ा लिखा है इसलिए वो सेना का जवान है, और थोड़ा और पढ़ा होता तो वही जवान जो है वो IAS भी बन सकता था। ये स्थितियाँ जो है ऐसी, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि इसको सकारात्मक लहजे में लेना चाहिए कि हमको हमारे कर्तव्य बैठे लोग तो बुरा, हमारे अंदर की कमजोरियां हमको पता लगे और हम उसको सुधारें। आप उस बात को कैसे लेंगे जिस तरह से वर्षा डोंगरे ने फेसबुक अपनी बात रखा, उसको सस्पेंड किया गया, वो जो स्थिति बनी, क्योंकि वर्षा डोंगरे का मामला बिल्कुल अलग है, उसमें जो है वो भी उसकी घटना, उसमें जो है भारतीय प्रजातंत्र पर हमला करने का बात किया और उन्होंने कहीं ना कहीं नक्सलियों को समर्थन, नक्सलियों के समर्थन में उस बात को ले लिया, यानी वर्षा डोंगरे के जो विचार हैं वो विचार इस तरह के हैं कि आज का जो प्रजातंत्र, जैसा कि नक्सली सोचते हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रजातंत्र है, जो जन नक्सली सोचते हैं इस पूंजीवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था से हमको निजात दिलानी है, उस धारा में उन्होंने जो है अपने कमेंट कर दिए थे जो गलत माना गया। और मैं समझता हूँ किसी अधिकारी को इस चीज का अधिकार अभ्यक्षता नहीं है, कुछ बंदिशें होती हैं नौकरी की, कुछ बंदिशें होती है, इसलिए उनको नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, मनुष्य के रूप में उनको आज़ादी है, लेकिन अधिकारी के रूप में उनको एक बंदिश है, तो बंदिश का भी उनको ख्याल रखना था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से चर्चा में भले ही वो कर देते, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उसको नहीं देना था अपने विचारों को, उस डॉक्यूमेंट के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दे दी, इसलिए उनको कार्रवाई की। और एक खतरनाक बात इसमें ये देखी जा रही है कि वो गायब है, इसी बात में आ रहा था कि वो गायब है, फोन भी उनका नहीं लग रहा है, गायब होना कहीं ना कहीं या तो वो जानबूझ करके या नक्सलियों का तो मिल रेस के सामने जो है वो नहीं आना चाहती या कहीं उनकी विचारधारा बदल गई, कुछ तो भी बात ये जो है एक सस्पेंस जो क्रिएट हुआ है। देखिए उसमें ये भी है कि उन्होंने PSC के 11 को लेकर भी सवाल उठाया 2003 के मामला सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, हाईकोर्ट ने उसमें फैसला सुनाया, एक पक्ष ये भी है उसी के अंदर आता है, पूंजीवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपने मन की करने की बात। 2003 में जो स्थिति बनी थी कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, उनको ड्रॉप कर दिया गया। देश दुनिया देखिए दो विचार काम कर रहे हैं, देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो गलत चल रहा है ऐसा मानने वाले लोग हैं, और देश दुनिया में जो है वो माफिक नजर आता है कई लोगों को,
जो आज की व्यवस्था है उसमें जो भ्रष्टाचार है, लेन देन करके काम करने की प्राथमिकता है, ये सारी चीजें कुछ लोगों को माफी करती है। उनको लगता है कि इसी तरह अगर काम चलता है तो हमारा काम तेजी से होता रहेगा और दूसरों का नहीं होगा, ये एक सोच है। दूसरी सोच है जो सिस्टम है वो सिस्टम सुधरे और गरीबों का काम पहले हो और सिस्टम से काम हो, हर व्यक्ति का काम हो और गरीब उसमें जो है वो ज्यादा निजात पाए अपने समस्याओं से, ये सोच सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या है, पूंजीवादी लोगों के काम कोई भी नहीं रुकते, आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, कोई भी अड़चन उनकी नहीं होती और जनता जो आम जनता है वो पिस रही है, उसको बगैर रुपए दिए हुए बगैर पैसा दिए हुए एक उसका काम नहीं होगा, उसका कागज आगे नहीं बढ़ेगा। फाइलों के चलने की स्थिति लाल पीटा खाई सब भले ही आज खत्म हो गया है लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस तरह से काम हो रहा है कि फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ अटक गई, यही लोगों को समझ। और ऐसे में जिस पार्टी ने बुलंद किया कि हम आपके लिए है, आप पार्टी के अंदर पैसों के मामला जो निकल के सामने आया है और राष्ट्रीय सुरक्षा जिस तरह से बनी और इसमें कपिल मिश्रा पार्टी से निलंबित कर दिए गए, तो आपको लगता है पार्टियों के अंदर जो एक उनका भी उनकी विचारधारा जो होती है, जो आम हित की जो बात करते हैं, वो भी सत्ता में आने के बाद में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति है इस तरह के आम कोई बोला है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी फंड के लिए आम जनता के लिए ये हताशा का विषय है कि जिस पार्टी ने ईमानदारी की छवि लेकर प्रवेश किया राजनीति में जनता ने उनको आंखों हाथ दिया, वो दिल्ली की जनता ने जो हमारे देश का दिल है एलिट क्लास माना जाता है, एलिट क्लास की जनता ने उसको हाथों हाथ दिया और 70 में 67 के बीच ये जो वो पार्टी जिसको ईमानदार पार्टी कहते हैं उसका नेता केजरीवाल जिसको ईमानदार माना जाता था उसके ऊपर आ गया और उसकी ही मंत्री द्वारा लगाया जाए। लेकिन इसमें एक प्रश्न है गांधी जी कि ये मंत्री रहते हुए आज तक ऐसा क्यों नहीं कहे और अचानक जो है उन्होंने जब उनको समझ में आ गया कि मुझे मंत्री पद से हटाया जाएगा तो उन्होंने आरोप कर रहा है, ये प्रश्न जरूर पैदा होता है। सिस्टम में सिस्टम उस समय वो बगावत सिस्टम सिस्टम को बदलने के लिए ही तो आप पार्टी आई है, सिस्टम के अंदर रहकर अगर आप चुनते तो आप भी उसी चीज का अंश हो गए ना, आप भी उसी चीज का अंश हो गए, तो जो दुनिया में चल रहा है वो आप भी चला रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आप चुप हैं या चुप रहे तो आपने गलत किया है, ये मानना पड़ेगा। और जो पार्टी जिससे उभर रही थी, पंजाब में भी उन्होंने दमखम दिखाया, गोवा तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे आप अपना जनाधार बनाता जा रहा था, कई मुद्दे यहाँ के अहम मुद्दे उन्होंने उठाए। अब ये लगता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं जैसे बीजेपी को ले ले, अनुशासन है उसमें, कांग्रेस में ले, जो अंदरूनी जो उनकी अपनी राजनीति है वो अपने लेवल पे ही उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे तो डैमेज जो है वर्तमान सिस्टम जो देश में चल रहा है, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में, वर्तमान सिस्टम बदलने की सोच और तर्क कई लोगों के मन में, क्योंकि उस सिस्टम को आप समझ लीजिए, सिस्टम में किसको बोल रहा हूँ, व्यवस्था आज आइए आइए वो जो भी है, वो जो व्यवस्था बनी हुई है बाबूगिरी और ये वो सारी चीजें, उसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। आप इसको देखें कि वो व्यवस्था के लोग जो है वो कहीं ईमानदारी को प्रवेश दे दें ये तो संभव ही नहीं है, उनको ईमानदारी का प्रवेश बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें अलग जो आप कह रहे हैं उसी तरफ मैं भी इशारा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे षड्यंत्र भी हो सकते हैं जिसमें कपिल मिश्रा एक मोहरे बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आज पैसे से सब दिखता है, तो पैसे से जो स्थितियां हैं बदल सकती है, राजनीतिक प्रयास से हो सकता है, जिस तरह वो दो 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 आपके जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिस तरह किरण बेदी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भारतीय जनता पार्टी में चली गई और राज्यपाल बनी, उपराज्यपाल बनी, इस तरह से जो है राजनीतिक लोग लेकिन आज पद पर रहते उस पद पर रहते हुए आपकी कोशिश ये रहती है कि आप किस तरह से उस पर काबिज रहे। आप यहाँ पर देखिए विधायक के कई पौष मामला सत्ता पर काबिज होने के लिए, मतलब आप किस तरह के आप उतार चढ़ाव और किस तरह से आप कुछ भी प्रजा हमने स्वतंत्रता पाई है उसके बाद से हम जहाँ आगे बढ़े हैं तो हमको सुधार से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम किराए के आप देखिए कि संसद में सवाल पूछने के लिए नोट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब हम स्वतंत्र हुए उसको इस रूप में लीजिए कि एक किराएदार हमारे मकान में जबरी प्रवेश कर गया था, हमने उसको कैसे भी करके हटाया, तो उसने जाते वक्त में पूरे मकान की व्यवस्था कर दिया, नाली खराब कर दी, तो हमको उसको रिपेयर करना था, तो हमने जब स्वतंत्रता पाई तो हमको हमारे देश को रिपेयर करना था, वो रिपेयर ठीक से हम नहीं कर पाए और हम उस घर में घुस गए और रहने लगे, तो उस स्थिति में हम आगे बिगड़ते ही गए। सुधारवादी जो सोच है वो वहाँ पर जो है तो कमी महसूस होती है और आज की जो आज का जो देश है, आज की जो व्यवस्था बनी है,
वो व्यवस्था जो है वो आम गरीब लेकिन जो व्यवस्था में जो टॉप टॉप पे जो पहुंच जाता है और जिस तरह से वहां पे उसको जो जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए वो निर्वहन नहीं करता। अब ताजा मामला देख लीजिए भूपेश बघेल का, ठीक है 22 साल पुराना मामला है और हमने शुरुआत में जिस तरह से हासन का काफी प्रथम चले क्योंकि छत्तीसगढ़ का रायपुर सरकार ने और इस नाते उसने पहली खबर सुनी है और 22 साल पुराने जमीन घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश उनकी मार पत्नी पर केस, उन्होंने साधा के आप पटेल सदस्य थे और 12 LIC मकान। देखिए जो EOW कोई भी प्रकरण जो है बगैर कुछ सबूत मिले दर्ज नहीं करता, ये तो आप भी जानते हैं। EOW ने दर्ज किया है तो कुछ ना कुछ क्लू उनको ऐसा मिला होगा जांच में जिसकी वजह से उन्होंने भाई मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा चल रही थी, वो बता रहे थे तो मैंने उसकी 95 के बाद क्या स्थिति हुई तो कहीं कहना था कि 2000 पहले भी इसने EOW ने जांच की, मतलब हालात 2000 के पहले भी जांच हुई, 2000 के बाद में 2014 में बीरेन पांडे ने इसमें शिकायत की, 17 साल से इस जमीन कांड की जांच हो रही है ये तो तय है, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि 17 साल से इसकी जांच हो रही है और अभी तक कुछ पाया नहीं गया। लेकिन EOW का जहां तक प्रश्न है उन्होंने कुछ पाया है तब, जबकि देखिए राजस्व मंत्री ने जो बयान दिया था आपने भी ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का नाम नहीं है, पत्नी उनके पिता और परिवार का नाम है, ये उन्होंने कहा था साफ साफ। तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ EOW को क्लू मिला होगा, इसीलिए योगी की जाति पूछी इसलिए मेरे खिलाफ में वो उन्होंने अपने बचाव में जो बात कही है वो भी इसके लिए सही हो सकती है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का जवाब पॉलिटिकल से दे रहे हैं वो, उन्होंने देखिए योगी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसी को उससे आरोप लगा वो पॉलिटिक्स की है उसका जवाब वो पॉलिटिक्स के रूप में दे रहे हैं। आप जिस तरह से पार्टियां जो बात करते थे जनता के मुद्दे होते थे, जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी आमने सामने दिखती थी, बयान होते थे, लेकिन अभी जो व्यक्तिगत राजनीति दिख रही है, मतलब आप सीधे सीधे टारगेट जो कर रहे हो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को लेकर रमन जोशी और भूपेश, जनहित के मुद्दों पर काम होना चाहिए तो ये दुर्घटनाओं और घटनाओं पर राजनीति होने लगी है, जनहित के मुद्दों पर राजनीति कम हो गई है और घटनाओं दुर्घटनाओं आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति जिससे जनता को कोई लाभ नहीं है। आप देखिए इन आरोप आप अखबार में जितनी भी खबरें हैं इसमें जनहित की बात कहाँ है बताइए आप मुझे, एक भी खबर मुझे अभी ऐसी नजर नहीं आई जिसमें जनहित का मसलो दिखे, जनता के हित की कोई बात कही जा रही है, एकाध कोई होगी तो होगी, ये जो 10 खबरों में से एक खबर छोटी सी जो है वो जनहित की होती है और बाकी सब आरोप प्रत्यारोप पूरे देश भर में हुई हालात है, हर राज्यों में हुआ हालात, स्थिति तो ऐसी है कि कहीं ना कहीं कहीं केस हो रहा है किसी नेता के ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधि लालू यादव पर चलेगा साजी सचने का केस, ये पहले के नेता सच को स्वीकार करते थे, आज सच कोई स्वीकार नहीं करता, आप कांग्रेस से पूछेंगे तो भाजपा, इसलिए आपको लगता है कि व्यक्तिगत पॉलिटिक्स अधिक बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों के पास मुद्दों की कमी हो गई है, खराब मुद्दों की कमी हो गई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बगैर सबूत के आरोप, देखिए कितने मामलों का आरोप डॉक्टर रमन सिंह पर कांग्रेस के द्वारा लगाया गया, कहीं भी कुछ भी कहां क्या हो रहा है भैया, आप इसको सरकार की बेशर्मी कहते हैं कांग्रेस की तरफ से और सरकार कहती है कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इस तरह से जनता का उसमें क्या लाभ है, अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है ये घोटाला वो घोटाला ये घोटाला, जनता का लाभ हानि क्या है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का समर्थन होना चाहिए, भ्रष्टाचार की जांच सही ढंग से ईमानदारी से हो, इसके पीछे आपने जिस तरह से अखबारों की बात की, अखबारों पर आप देखिए तमाम लगभग लुआब आपने लेकर बात की थी, अखबारों की तमाम खबर देखिए जनहित के मुद्दे नहीं कम मुद्दे हैं और ऐसे में एक जो बरकरार है प्रिंट मीडिया की धमक है, प्रिंट मीडिया के लिए खतरा नहीं, डिजिटल और टीवी का दायरा बढ़ा, मतलब कि पर्चियों का अवसर दैनिक बिक्री के साथ में जो तमाम बातें हैं और इसमें जो टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की बढ़ती चौका चौन जो एक सर्वे हुआ है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एनसी की ओर जो मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसे बताया गया है, उसमें जो बातें निकली है कि डिजिटल और टीवी का दायरा बढ़ा है लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए खतरा नहीं है, मतलब एक तरफ आप देखिए अखबारों की जो विदेशी जनता है, हिंदुस्तान की जनता को खबरों की भूख, जिस तरह हम सुबह उठकर नाश्ता करते हैं चाय पीते हैं उसी तरह खबरों की भूख जो है हिंदुस्तान की जनता को, चाहे वो अनपढ़ है चाहे किसी से पूछता है वो खबर क्या खबर है, खबरों की जो भूख है वो प्रिंट मीडिया को जिंदा रखते हैं ये तय है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना इसलिए चाहते हैं लोग और देखते हैं बहुत बड़ी संख्या हो गई है उसकी कि क्या खबर है, वो तत्काल मिलती है, खबर का सूत्र मिल जाता है उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ने के लिए प्रिंट मीडिया की, जो अनपढ़ व्यक्ति वो तो अखबार पढ़ नहीं सकता, वो तो टीवी इसके लिए, लेकिन उसके बाद भी
जो जो लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी, वो डिटेल में जाने के लिए निश्चित रूप से उसके सूत्र लेकर के अखबार जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि मीडिया का महत्व इसलिए कम और ही होगा जो डिजिटल प्रारूप होता जा रहा है हर किसी के हाथ और स्मार्टफोन है, और प्रिंट जो है वो प्रिंट इतिहास है, प्रिंट को इतिहास के रूप में रखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतिहास के रूप में एक लिमिट तक रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखा। लेकिन आप देखिए विदेशों में प्रिंट संस्करण बंद होता है और आंखों के सामने अगर कोई चीज आई है और 10 मिनट बाद, एक तरफ आप देखिए विदेशों में प्रिंट संस्करण बंद होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत में देखा जाए 10 वर्षों में विभिन्न भाषाओं के अखबारों की दैनिक बिक्री 2.37 करोड़ बढ़ी। मैं हिंदुस्तान की जनता का बता रहा हूँ, दूसरे देशों की जनता इतनी जनता नहीं है, इतनी करोड़ों की जनसंख्या हमारी है, हमारे हिंदुस्तान की जनता में प्रारंभ से खबरें जानने की भूख है, ये तय है। वो अनपढ़ आदमी वो इस वक्त पूछता है क्या खबर है, आज आप भी देखिए और आजकल तो टीवी देखना शुरू कर दिया, ये हो गया ये हो गया, उसकी भूख है, वो जिस तरह नाश्ता करता है, जिस तरह चाय पीता है, जिस तरह भोजन करता है, उस तरह वो खबरों की भूख रखता है और जानना चाहता है कि हमारे देश में, दुनिया में, राज्य में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कहाँ क्या हो रहा है। अगर वो मोहल्ले की खबर इसमें नहीं छपती है तो मोहल्ले में घूम घूम के लोगों से पता लगाता है कि आज अपने मोहल्ले में क्या खबर है, ये भूख है उसकी। इसलिए जो है भारत के अंदर में जो है प्रिंट मीडिया का अस्तित्व जो है वो बरकरार रहेगा, ये विश्वास मुझे है। मैं प्रिंट मीडिया में काम करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूँ। प्रिंट का भी तो डिजिटलाइजेशन होता जा रहे हैं, हाँ किसी न किसी रूप में आखिर प्रिंट मीडिया ही कहलाएगा, डिजिटलाइजेशन भी अगर होगा तो प्रिंट मीडिया वहाँ भी कहलाएगा, क्योंकि उसको देख करके पढ़ेगा इतिहास के रूप में डिटेल में जानकारी पूरी डिटेल होगी। इस तरह कई अखबारों का तरीका है कि हर चीज को बारीकी से बताते हैं, ये क्या है ये क्या, नॉलेज बनता है कि ये स्वरूप क्या है, वो स्वरूप क्या है। उस स्वरूप में अगर देखा जाए तो जिस तरह से नई दुनिया ने यहाँ पे खबरों को का जो चयन किया, इसमें जो खबरें हैं कि ब्याज दरें जो होम लोन लेकर किफायती कर एस बी आई ने 0.25% घटाई ब्याज दर, ये जो खबरें तमाम छपी है और तमाम अखबारों ने इसको लिया है पत्र के खिलाफ, लगता है कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ली जाए, हर किसी को आवास देना है, लेकिन लोन की भी कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी तरह से लोन लिए हुए, हर कोई ये नजर सिखा रहता है कि कब आरबीआई को पता रहता है कि उनके जो लोन का ईएमआई है वो तो कम देना पड़े। सबसे दुखदायी बात ये है देखिए कि एसबीआई जो है वो प्रमुख जो लीडिंग बैंक माना जाता है, उसकी ऋण प्रक्रिया जो है वो बढ़ सकती है, इसलिए जो है बहुत सारी चीजें सामने आती है और जो ब्याज दर घटी है वो 400-500 रुपये का फर्क जो है एक छोटे परिवार के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 400-500 रुपये का फर्क किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और किसी के लिए कोई खबर महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कोई खबर महत्वपूर्ण नहीं है, और इसमें तमाम बातें यहाँ पे हुई अखबारों के लेकर हमने बात की कि जनहित के मुद्दे व्यक्तिगत यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप इन सब के बीच में तमाम जो खबरें हैं वो अलग अलग अखबारों की अलग अलग तरीके से सुर्खियां बनी हुई है। बैक टू स्क्रीन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट हेड आर के गांधी और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा इस पर चर्चा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के अखबारों की सुर्खियों की चर्चा हो रही थी, यहां पर राजनीतिक से जुड़ा हो या समाज से जुड़ा या स्वास्थ्य से जुड़ा सभी पे चर्चा हुई, सभी पे हमारे पैनल पे बैठे गेस्ट ने चर्चा की। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।